तो गाइस आज की वीडियो में मैं अपग्रेड होने वाला हूँ इस मुर्गी से दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल में। आज की वीडियो में हम सबसे खतरनाक बन के रहेंगे, पर हमारी शुरुआत होने वाली है एक मुर्गी से। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं सबसे ज्यादा कमजोर एनिमल हूँ। मैं यहाँ पर एक मुर्गी बन के घूम रहा हूँ और ये मुर्गी सही में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं कितना ज्यादा छोटा हूँ। अगर मुझे अगले एनिमल में अपग्रेड होना है तो मुझे $100 चाहिए होंगे, पर वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? अरे वाह, मैं तो लॉटरी जीत गया, अब तो मैं नया फोन ले पाऊंगा। चलो घर चलते हैं। अरे मार दिया रे बाबा। अरे कैसर ये क्या हो गया, उन अंकल का तो एक्सीडेंट हो गया। अरे इनका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। ये क्या, इनके ब्रीफकेस में कितना सारा कैश है। अंकल आपका एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं आपका सारा का सारा पैसा लेने वाला हूँ। चलो इसको फटाफट से ले लेते हैं। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक $100 वाले रेट में। ये चूहा बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर एक मुर्गे से तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अब हमें चाहिए होंगे $1000 ताकि हम अगले एनिमल में अपग्रेड हो सके। तो चलो बराबर से $1000 जमा करते हैं। अरे कैसर मैं तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनना है। या तो वो कोई शेर हो सकता है या फिर एक बड़ा सा हाथी, पर मैं तो अभी एक सिर्फ छोटा सा चूहा हूँ और मैं तो अपग्रेड भी हो रहा। जल्दी जल्दी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जल्दी अपग्रेड होना है। आज तो हल्क ने बर्गर बेच के बहुत सारा पैसा कमा लिया। इतना सारा पैसा तो मैंने आज तक बर्गर बेच के नहीं कमाया। अरे कैसर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा आइडिया आ चुका है। अरे हल्क हल्क मेरी बात सुनो। क्या है बेचुए? अरे हल्क क्या तुम्हें पता है बीच के उस साइड एक बर्गर की शॉप खुली है और वो वहाँ पर बहुत सारे बर्गर बेच रहा है। वहाँ पर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हल्क के अलावा इस बीच पर कोई बर्गर नहीं बेच सकता। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे अलावा कोई बर्गर बेच रहा है, जाओ उसको रोको। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे अलावा इस बीच पर कोई बर्गर नहीं बेचेगा, आ रहा हूँ मैं। तो कैसर अभी मैंने हल्क को पागल बना दिया है और वो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा छोड़ के अपना जा चुका है और ये सारा का सारा पैसा मैं लेने चूहे, तू यहाँ पर क्यों आया है? तुम कौन हो? मैं हूँ बेबी हल्क, मैं अपने पापा के सारे पैसों की रक्षा करता हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो बर्गर लेने आया था यहाँ पे। अभी तुम्हें कोई बर्गर नहीं मिलेगा, अभी मेरे पापा यहाँ पर नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे, मैं देख लूंगा। निकल जाओ यहाँ से वरना आरपीजी छुड़ा दूंगा। अरे चलो चलो मुझे मत मारना। अरे कैसर ये हल्क को तो मैंने भेज दिया, पर ये बेबी हल्क यहाँ पे पहरेदारी कर रहा है सारे के सारे पैसों की और मैं इसके पास भी नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास आरपीजी है। अगर मैं इसके पास गया तो ये मुझे आरपीजी से उड़ा देगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। जब तक मैं इन पैसों की रक्षा कर रहा हूँ कोई भी इन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो कैसर इस हल्क के बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके पास एक खतरनाक सी आरपीजी है, इसलिए मुझे बिल्कुल चुपचाप से इसके पीछे जाना है और इसको बहुत ही ज्यादा तेज मारने वाला हूँ। ये ले। अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ये ले हल्के बच्चे, तू मुझे मारेगा आरपीजी से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले। तो कैसर अभी मैंने बेबी हल्क को मार दिया है, उससे पहले कि इसका पापा हल्क आके हमें मारे मैं ये सारा का सारा पैसे ले लेता हूँ और मैं हो जाता हूँ अपग्रेड। मुझे ये सारा पैसा दे दो। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से डॉग में। और कैसर ये डॉग है पूरे के पूरे $1000 का और इसकी शक्तियाँ सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो मैं पानी के अंदर चल सकता हूँ, मैं पानी के अंदर चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या आपने कभी पहले किसी कुत्ते को ये सब करते हुए देखा है? मुझे पता है नहीं देखा होगा क्योंकि एक खतरनाक सा सुपर डॉग है। आप देख सकते हो पानी के अंदर कितनी गहराई में आ चुका हूँ और मैं आराम से अंदर पानी के भाग पा रहा हूँ। तो कहे सर हम एक खतरनाक सा डॉग तो बन चुके, पर हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले क्योंकि आपको तो बताइए हमें दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनना है। और अगर हमें दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा गॉड एनिमल। तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गॉड एनिमल। और हाँ, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज्यादा जल्दी मैं बनने वाला हूँ गॉड एनिमल। तो फटाफट से कमेंट कर दो गॉड एनिमल और वीडियो को लाइक भी कर देना। तुम सबका स्वागत है एनिमल चैलेंज में। इस एनिमल चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको मिलने वाले $10,000 और फिर वो अपग्रेड हो सकता है। और हमारे कंटेस्टेंट है ये ऑरेंज कुत्ता और ये सुअर और ये ब्राउन कुत्ता। ये है तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन, तुम
तुमको अपनी गाड़ी को लेके जाके सारे के सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते यहाँ से अपनी गाड़ी को कुदा के सारी बोर्ड को क्रॉस करते करते फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कर लिया तो 10,000 तुम्हारे। सबसे पहले जाएगा हमारा पिग। तो कैसर अभी देखते हैं पिग क्या करने वाला है। सबसे पहले इस पिग की बारी आ चुकी है, इसके बाद मेरी बारी है। सबसे पहले हम देखने वाले क्या ये पिग जीतेगा या फिर नहीं, और इसकी गाड़ी हवा में क्यों जा रही है। अरे ये कहाँ जा रहा है, और ये क्या, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया ऑलरेडी। लगता है इस पिग को गेम समझ नहीं आया। अब तुम्हारी बारी ऑरेंज कुत्ते। मेरा नाम ऑरेंज कुत्ता नहीं, मेरा नाम वरुण है। चलो कैसर फटाफट से अपन भी गाड़ी के अंदर बैठते और अब इस गाड़ी को चलाने वाले फुल स्पीड में। मुझे इस चैलेंज को कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि कैसर अगर मैं ये चैलेंज जीतता हूँ तो मुझे मिलने वाले 10,000 डॉलर। तो फटाफट से चलते फुल स्पीड में अपनी कार को भगाते। वो पिग का बच्चा यहाँ से गिर गया था, पर मैं नहीं गिरने वाला, मैं जाने वाला हूँ फुल स्पीड में ताकि मैं अपग्रेड हो सकूं अपने नए एनिमल में। और आप देख सकते हो मैं कैसे उड़ते हुए जा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इस पंखे ने मुझे मार दिया। और ये क्या, मेरी कार डिसबैलेंस हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसर अपनी गाड़ी को आराम से बैलेंस करते करते अभी हम इधर आ चुके हैं, और अब आखिरी जंप की बारी। सारी की सारी बोर्ड्स के ऊपर से मुझे अपनी कार को कुदा रहा है। तो फटाफट से अपनी कार को कुदा दे। और कैसर हमने अपनी कार को कुदा लिया है और हमें फिनिशिंग लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। क्या हम पहुंच पाएंगे, और हम यहाँ पर आ चुके। और ये क्या, मेरी गाड़ी उल्टी हो गई। रुक जाओ, मैं गाड़ी से उतरने वाला हूँ। मेरी गाड़ी तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई, वो उल्टी हो चुकी, पर ये फिनिशिंग लाइन मैंने क्रॉस कर ली है। ब्राउन कुत्ते अब तुम्हारी बारी, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो कैसर अभी बारी आ चुकी है इस पिटबुल की। जो वो सुअर था वो तो बहुत ही जल्दी फेल हो गया। हम दोनों कुत्तों के बीच में कॉम्पिटिशन है, कौन जीतेगा, मैं या फिर पिटबुल। आपको क्या लगता है, क्या ये पिटबुल कुछ कर पाएगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो। क्योंकि कैसर मैं अपनी गाड़ी को लेके फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाया, तो इस पिटबुल का काम होगा अपनी गाड़ी को फिनिशिंग लाइन तक लेके जाने का। अगर ये पहुंच गया तो मैं 10,000 डॉलर हार जाऊंगा, अगर ये नहीं पहुंच पाया तो मैं 10,000 डॉलर जीत जाऊंगा। और ये क्या, ये पिटबुल तो नीचे गिर चुका है, और कैसर पिटबुल हो चुका है डिस्क्वालीफाई। ऑरेंज कुत्ते बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे 10,000 डॉलर्स। अरे थैंक यू शार्क अंकल। तो कैसर मैं जीत चुका हूँ ये 10,000 डॉलर, तो फटाफट से इनको ले लेते हैं और हो जाते हैं अपग्रेड। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक डोंकी में। ये डैचू डैचू करने वाला डोंकी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट सा डोंकी है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपग्रेड हुआ या फिर डाउनग्रेड। डोंकी ज्यादा पावरफुल होता है या फिर एक कुत्ता, फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये डोंकी तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि ये डोंकी दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल नहीं है, और हम जब तक नहीं रुकने वाले जब तक हम दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल नहीं बन जाते। तो चलो फटाफट से चलते अगले एनिमल में अपग्रेड होते हैं। तो कैसर इस गधे से अगर मुझे अगले एनिमल में अपग्रेड होना है तो मुझे चाहिए होंगे 100K डॉलर्स, मतलब 1,00,000 डॉलर्स। और कैसर मुझे पता चला है लॉस सैंटोस के इस घर में मुझे मिल सकते आराम से 1,00,000 डॉलर्स। ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस घर में मुझे कैसे भी करके वो 1,00,000 डॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो इस घर का ओनर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो कैसर अभी मैं इस घर के अंदर घुसने वाला, चलो फटाफट से चलते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम। अरे मुझे घर के अंदर जाना है। इस घर में सिर्फ बंदर अलाउड है, ना कि ये, ना कि तुम्हारे जैसे गधे, बाहर निकलो ऐसे। अरे मुझे अंदर जाने दो। नहीं तुम नहीं जा सकते, सिर्फ बंदर अलाउड है। अरे कैसर ये क्या बोल रहे, मैं जाऊंगा, मुझे अंदर जाना है। अबे गधे के बच्चे, हमारी गन तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, अगर ज्यादा होशियारी करी तो इस गन से मैं तुझे गधे से मिट्टी में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे कैसर ये जो मुझे धमकी दे रहा है, इस बंदर के बच्चे की ऐसी की तैसी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर अभी मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैसर मैं एक गधा हूँ, मतलब मैं एक डोंकी हूँ, मैं डोंकी तो हूँ, पर कैसर मुझे गन चलाना आता है। तो कैसर मेरे पास एक खतरनाक स्टी बॉम्ब से, जो कि मैं इन बंदरों के ऊपर फेंकने वाला हूँ ताकि मैं इस घर के अंदर घुस सकूँ। अभी मैंने इनको तो मार दिया, यहाँ पर ये एक और बंदर है, इसके ऊपर भी स्टिकी बॉम्ब डाल के फोड़ने वाले हैं। और कैसर आप देख सकते हो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये ले एक और को फोड़ दिया। तो कैसर ये सारे के सारे बंदरों को मैं फोड़ने वाला हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, अब इनमें से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लो, ये ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, इसको ब्लास्ट करते। तो कैसर अभी आप सारे बंदरों को मैं ब्लास्ट करते करते अंदर जा रहा हूँ। ये लो बंदरों, ये लो, इनको सबको ब्लास्ट करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला मैं, तू भी ले। तो कैसर मुझे नहीं पता था यहाँ पे
कितने ज्यादा बंदर होंगे यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी इन बंदरों की जिन सबको हम मारने वाले हैं। ये लो। तो कैसर अभी हम जाने वाले इस घर के अंदर और आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे थोड़ा पैसा भी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इस घर के अंदर ही पैसा है। चलो फटाफट इस घर के अंदर चलते, सामने मुझे एक और बंदर दिखाई दे रहा है उसको भी हमने फोड़ दिया है। और कैसर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा पैसा है, ये तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह घर में फैला हुआ है। मुझे मेन स्टोरेज ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर सारा का सारा पैसा पड़ा होता है, उसके लिए मुझे सारे के सारे बंदरों को मारना पड़ेगा। इन सारे बंदरों को मैं मारने वाला हूँ गाइस, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अगर हमें सारा का सारा पैसा चाहिए तो हमें सारे के सारे बंदरों को मारना ही पड़ेगा, और हमें पूरे घर में चेक भी करना पड़ेगा कहाँ पर है वो सारे के सारे पैसे जो कि मुझे चाहिए। और हमें सामने और भी मुझे बंदर दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मार दूंगा मैं, इनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। कहाँ पर है सारा का सारा पैसा? और गाइस सामने कितनी खतरनाक बोट पड़ी है, ये ले इसको हमने ब्लास्ट कर दिया। जल्दी से मुझे सारा का सारा पैसा ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है पैसा, कहाँ पर है? यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदर और दिखाई दे रहे हैं, और कैसे लगता है मुझे सारा पैसा मिल चुका है। ये लो बंदर, ये ले 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 ले। तो कैसर क्या आपने कभी देखा है एक बंदर को इतनी खतरनाक खतरनाक गन यूज करते हुए और सारे के सारे बंदरों को हराते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। पर कैसर अभी मुझे यहाँ पे सारा का सारा पैसा मिल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा कैश पड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरे के पूरे 20 क्रेट भर के यहाँ पर पैसा पड़ा है, और मैं ये सारा का सारा पैसा लेने वाला हूँ। देखते हैं हम कौन से एनिमल में अपग्रेड होने वाले हैं ये सारा पैसा लेने के बाद। 3, 2, 1 सारा पैसा दे दो। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ एक खतरनाक सा घोड़ा, मतलब हॉर्स। $1,00,000 खर्च करने के बाद मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से घोड़े में। और कैसर ये घोड़ा सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अभी आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। ये वाला हॉर्स सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अभी आपको भाग के दिखाता हूँ। 3, 2, 1 गो। आप देख सकते हो ये घोड़ा कितनी ज्यादा तेज भागता है, इतना तेज भागते हुए घोड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या आपने देखा है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। ये सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो कैसर हम एक हॉर्स तक तो पहुंच चुके, बस अब वेट है दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल तक पहुंचने का। आपको क्या लगता है वो एनिमल कौन सा होने वाला है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और अपन चलते अपने और हम चलते अपने अगले चैलेंज में और अपग्रेड होते एक और खतरनाक एनिमल पर। अगले एनिमल में अपग्रेड होने के लिए तुम दोनों को एक रेस करनी पड़ेगी। इस रेस में तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो अपग्रेड होने वाला है अपने अगले एनिमल में। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो इस रेस में तुम दोनों को भागना पड़ेगा और इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो भी कम समय में इस ट्रैक को कंप्लीट करके मेरे पास वापस आएगा वो ये रेस जीतने वाला है और अपग्रेड हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले पारी जीता तुम्हारी। चलो शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। तुम देख लेना ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, उसके बाद मैं चीता से बन जाऊंगा दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। तो कैसर अभी आप देख सकते हो ये चीता का बच्चा भी फुल स्पीड में भागे जा रहा है और ऊपर टाइमर चल रहा है। तो कैसर जितने टाइम में ये फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा उससे कम टाइम में मुझे फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगने वाला है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो ये चीता यहाँ पर वापस से आ चुका है और इसका टाइमर होता है बंद। अरे अंकल कितने टाइम में आया? बच्चे ये कितने टाइम में आया वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हारी बारी है। चलो शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। चलो कैसर फटाफट से फुल स्पीड में भागते, मुझे इस चीता से कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा। कैसर अभी मुझे चीता का टाइम नहीं पता चला, और हमें टाइम जब पता चलेगा जब मैं ये रेस कंप्लीट कर लूंगा फिर हम दोनों में से विनर अनाउंस होगा और फिर वो अपग्रेड होने वाला अपने अगले एनिमल में। मुझे फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज्यादा तेज भागने वाला हूँ। भागो भागो, मुझे कैसे भी करके इस रेस को जीतना है ताकि मैं अपग्रेड हो सकूं एक खतरनाक से एनिमल में और मैं अपने सपने के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा जो कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनना। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, भागो भागो। कैसर को फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, मुझे लगता है मैं चीता से आराम से जीत सकता हूँ। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो। तो कैसर अभी हम बस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले, सामने मुझे दिखने लग गए वो चीता और हमारे जो होस्ट है गेम के। जल्दी भागे, जल्दी भागो, जल्दी भागो। मैं बहुत ज्यादा थक चुका पर मैं रुकने नहीं वाला क्योंकि मैं ये रेस जीतने वाला हूँ और ये मैं आ गया। तुम दोनों के टाइम मैंने देख लिए और तुम दोनों के टाइम में पूरे के पूरे 15 सेकंड का फर्क है, और
अरे कैसे, मैंने इस चीता के बच्चे को हरा दिया और मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। बहुत बढ़िया लड़के, तुम जीतते हो $1,000,000 और इन $1,000,000 से तुम हो सकते हो अपग्रेड। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से हाथी में। मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका और ये क्या, इस गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया। पर कोई बात नहीं, हम यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाथी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कैसर, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमल है। अभी तक जितने एनिमल्स में भी अपग्रेड हुए उनमें से सबसे खतरनाक ही हाथी है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी हम इससे अटैक करने वाले कुछ लोगों पर, ये लोग यहाँ पर धूम्रपान कर रहे हैं इसलिए इनके ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा। ये लो, अरे कैसर आप देख सकते, इनकी तो हमने हालत खराब कर दी। तो कैसर, अभी मैं एक एलिफेंट में अपग्रेड हो चुका हूँ, पर अभी भी ये दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल नहीं है। इसके बाद जिस एनिमल में अपग्रेड हम होने वाले हैं वो है दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। पर उसके लिए हमें चाहिए $100,000,000 और $100,000,000 के लिए हमें एक खतरनाक सा चैलेंज करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, $100,000,000 कमाते हैं और बनते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर खतरनाक एनिमल। तो कैसर, मैं आ चुका हूँ अपने आखिरी चैलेंज में। और कैसर आप देख सकते हो, अगर मैं ये चैलेंज जीतता हूँ तो मुझे कितना सारा गोल्ड मिलने वाला है और इतने सारे गोल्ड से मैं बन सकता हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। और गाइजर, ये लॉस सैंटोस के सारे जानवर यहाँ पर आ चुके हैं इस चैलेंज को मुझे कंप्लीट करते हुए देखने के लिए। तो ये है स्टार्टिंग लाइन, मुझे इस चैलेंज को पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा एक ही गाड़ी में बैठ के। और गाइजर, मैं हूँ एक हाथी। क्या आपने कभी देखा है एक हाथी को गाड़ी चलाते हुए और इतने खतरनाक चैलेंज कंप्लीट करते हुए? आज मैं करने वाला हूँ। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और अगर मैंने ये कंप्लीट कर दिया, अगर फिनिशिंग लाइन तक मैं आ गया तो मुझे ये सारा का सारा गोल्ड मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कौन सी गाड़ी मुझे चूज करनी चाहिए। मुझे यार ये सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है इसलिए मैं ये वाली गाड़ी चूज करने वाला हूं। तो कैसर, गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, फटाफट से चलते हैं, इस चैलेंज को शुरू करते हैं। और ये स्टार्टिंग लाइन से हम चलने वाले हैं और इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसर, ये हमारा आखिरी चैलेंज है इसलिए मुझे आपका गुड लक चाहिए। तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन ताकि मुझे बहुत सारा गुड लक मिल जाए। एक स्किन, ये क्या चीज थी, मेरे एकदम से सामने आ गई, ये क्या चल रहा है? और ये देख सकते, ये पंखा है जिसने मेरी गाड़ी उड़ा दी। ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी गाड़ी को बाउंस कराया जा रहा है। मुझे आराम से जाना पड़ेगा इस चैलेंज को मुझे जीतना है तो। और यहाँ पर कितनी सारी फुटबॉल से इनके बीच में से निकलते निकलते हम जाने वाले, हट जाओ। मैं एक एलिफेंट हूँ इसलिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा भारी भी हो चुकी है। एलिफेंट सही में बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं। और ये क्या, ये लकड़ी कहाँ से आ रही है, मुझे मार क्यों रही है? अरे क्या हो गया, लकड़ी मुझे क्यों मार रही है? चलो कैसे, फटाफट से साइड में से निकल लेते इस लकड़ी ने हमें बहुत ही ज्यादा मारा। और सामने एक और लकड़ी आ चुकी है और इसने भी हमें मार दिया। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड चैलेंज है पर हमें इसको कैसे भी करके करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए वो $100,000,000 जिससे हम बन पाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल। सोचो यार, एलिफेंट से खतरनाक क्या ही हो सकता है, वो हम बनने वाले। और ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, मेरे को पीछे लेके जा रहे, बच गया बच गया। ये सब के सब रोलर मुझे पीछे लेके जाने वाले थे पर यहाँ पर अपन बच चुके। चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से ऊपर। और कैसे, ये कितना ज्यादा खतरनाक पंखा यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं आराम से यहाँ से निकल चुका हूँ। कैसर, हमने यार बड़े टायर वाली गाड़ी लेके बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस करी थी क्योंकि पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग करने में बड़े टायर बहुत ही काम आएंगे। और ऑफ रोडिंग बोलते ही ये खत्म हो चुकी है ऑफ रोडिंग और अब रोड आ चुके। और अब देखते हैं फुटबॉल कैसे आ रही है। अरे अरे, बच गया बच गया, मुझे लगा था ये मुझे हवा में उड़ा देगी पर यहाँ पर हम बच चुके हैं और ये हमारी गाड़ी हवा में उड़ने लग चुकी है। चलो गाइस, फटाफट से खतरनाक आग के बीच में से निकलते हैं। ये आग हमें जला नहीं सकती क्योंकि हम इतने खतरनाक हैं, हमें कोई नहीं जला सकता, मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ओ भाई साहब, मुझे बचाओ, इतना ज्यादा आगे आके मैं यहाँ पर हारना नहीं चाहता तो इसलिए मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। और मैं यहाँ से भी निकल चुका हूँ। चलो गाइस, फटाफट से चल, हम इस चैलेंज को आराम से जीत सकते हैं अगर हम बिल्कुल ध्यान से खेलो। चलो गाइस, अभी हमने इसको भी क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे बड़ा सा स्पेसशिप जो कि बहुत ही ज्यादा तेज तेज घूम रहा है, मुझे आराम से जाना पड़ेगा। 3, 2, 1 को। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी टेढ़ी कर दी। अरे ये तो मुझे ही मार रहा है, मुझे इसके बीच में जाना है पर कैसे जाऊं, मुझे अंदर जाने दे। 3, 2, 1 को। और कैसर, मैं इसके बीच में आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। 3, 2, 1 को।
निकल जा। अरे अरे कितना मारेगा, मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। कैसर ये एक ही मौका है, 3, 2, 1 गो। और कैसर हम यहाँ से निकल चुके, सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है। और कैसर हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो कैसर उस चैलेंज को जीतने के बाद ये सारा का सारा गोल्ड हमारा आ चुका है। चलो फटाफट से सारा का सारा गोल्ड ले लेते और वो जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल में अपग्रेड। तो कैसर आप देख सकते हो आखिरकार मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। ये है गोल्ड लायन। एलिफेंट से खतरनाक होता है लायन, पर ये है गोल्ड लायन। मैंने जो सारा का सारा गोल्ड यूज किया था लायन बनने के लिए, उससे मैं बन चुका हूँ एक खतरनाक सा गोल्ड लायन। अब गोल्ड लायन में ऐसा क्या खास है वो अभी आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो मैं अपने मुंह में से आग निकाल सकता हूँ, ये एक नॉर्मल लायन नहीं कर सकता। और मेरी पावर्स बहुत ही खतरनाक है, और ये जंगल के सारे जानवर अब मेरी बात सुनने वाले हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे नौकर है, क्योंकि जंगल का राजा होता है लायन और वो हूँ मैं। तो आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ, मैं अपने मुंह में से आग निकाल सकता हूँ। क्या आपने कभी देखा एक लायन के मुंह में से आग निकलते हुए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। तो कैसर आज की वीडियो से भी इतना ही, हम बन चुके दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल। तो अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं सही वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और कैसर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।